फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है, शाम के समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना घर में बढ़ोतरी बरकत कभी नहीं होगी और माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहे और आपके घर में सुख समृद्धि रहे, धन हमेशा आपके घर में रहे, स्थिर रहे, तो उसके लिए आपको शाम के समय कुछ बातों को, कुछ नियमों का पालन आप लोगों को करना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें शाम में करना ज़रूरी है और कौन से ऐसे कार्य हैं, नियम हैं जो नहीं करनी चाहिए अपने घर की बढ़ोतरी के लिए, समृद्धि के लिए। तो पहला पॉइंट है कि जितना हो सके आप घर में जल्द से जल्द दीपक जलाएं। एक घी का दीपक तुलसी माता के पास रखें और एक दीपक लक्ष्मी गणेश पूजा स्थल जो है वहाँ पे आपको रखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको घर में दीपक जो है, शाम के समय आप कुछ हर कार्य को रोक दें, लेकिन दीपक जलाना सबसे पहला कार्य होता है। तो आप उस कोई भी, कहीं भी आप बिजी हों, लेकिन शाम के समय एक फिक्स टाइम आप कर ले, जैसे संध्या वेला होती है आपका 5:30 से 6:30 तक के बीच में आप दीपक दिया जो है अपने घर में प्रज्वलित कर ले। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी माता वहीं आती है संध्या काल में, या वहीं वास करती हैं जहाँ दीपक जलाया जाता है। तुलसी माता के पास भी एक दिया जलाएं और एक घर में भी। तो इस तरह से आपको शाम के समय ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसी गलती आप करते हैं कि शाम में गप्पे लड़ा रहे हैं, किसी के घर गए हुए हैं, दिया का टाइम संध्या वेला में सांस दिखाने का टाइम जो है वो पार हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। पूजा आपको कहीं भी हो, शाम के समय में फिक्स टाइम में आपको दीपक अपने घर प्रज्वलित करनी है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है कि शाम के समय झाड़ू मत लगाएं, चाहे आपके घर में कितनी भी गंदगी बच्चे बिखेर दिए हों, लेकिन झाड़ू मत लगाएं, वर्जित है एकदम ध्यान से। बर्तन भी मत धोएं शाम के समय, आप बर्तन भी मत धोएं। शाम का जो समय है 5:30 से 6:30 के बीच में आप बर्तन भी मत धोएं। 7 बजे के बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही आपको कपड़े धोने चाहिए। जितना हो सके जितने भी कार्य हैं सुबह आपको करके निपटा देने हैं। शाम के समय सिर्फ आप दीपक जलाने के बारे में ही सोचें और दीपक ही जलाएं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना ये कार्य बिल्कुल ना करें। तीसरा पॉइंट है, शाम के समय मत सोएं। शाम के समय घर का कोई भी सदस्य सोया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई सो भी रहे हैं, थके हारे भी हैं, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए आप उठा दें। बच्चा भी सोया हुआ है तो बच्चे को भी अपने गोद में उठा कर रख लें। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 6 महीना से छोटा है, 2 साल तक का बच्चा है, 6 महीना से 2 साल, मतलब बहुत छोटे जो बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से सोते हैं, तो उन्हें आप गोद में रख लें। शाम के समय सोने से, ऐसा कहा जाता है जो सोता है खोता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन सोना शुभ नहीं माना जाता, बहुत अशुभ माना जाता है। दरिद्रता घर में निवास करती है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट से है कि सिलाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आंखों में चुभता है शाम के समय सिलाई करने से। तो जो मेरी बहनें हैं, सखियां हैं, जो सिलाई का कार्य भी करती हैं, तो कम से कम 5:30 से 6:30 के बीच में सिर्फ 1 घंटा आप सिलाई जो है मत करें। सिलाई से जुड़ी कोई भी आप जो हुक बटन जो भी लगाती हैं उसे आप स्टॉप करें, मत करें, सिलाई नहीं करनी चाहिए। इससे पितरपक्ष, पितृदोष भी हम लोगों को लगता है जाने अनजाने में। फिर हम जब कभी मुसीबत में पड़ते हैं तो सोचते हैं कि हमसे कौन सी गलती हो गई, तो इसलिए तो शाम के समय आप सिलाई मत करें। 5 पॉइंट्स है कि शाम के समय में संध्या वेला में मेकअप ना करें। साड़ी चेंज आप कर सकती हैं, नाइटी पहनी है तो, लेकिन पैर में जो आलता या महावार लगाते हैं, पैर रंगते हैं, या सिंदूर शाम में मत लगाइए आप, तो ये सब जो नेल मत काटिए, तो ये सब जो कार्य हैं ये आपको शाम के समय में नहीं करनी चाहिए। यदि विवाह में जाना है, तैयार होना है, तो वो अलग बात है, तो उसमें भी आप जो आलता है पैरों में लगाती हैं, ये सिंदूर है, ये आप पहले ही लगा लें, दोपहर में भी लगा लें। ये सब कार्य आप शाम में बिल्कुल भी मत करें, वर्जित है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि शाम के समय हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। अपने घर में शाम के समय आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि चाय के साथ जो हम नाश्ता लेते हैं तो नाश्ते में भी आप कुछ भी मिक्सचर वगैरह खाते हैं हम लोग, तो नहीं नहीं खानी चाहिए। शाम के समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि संध्या वेला में लक्ष्मी माता का आने का समय रहता है, दीपक प्रज्वलित करने का समय होता है, घर में पूजा पाठ आरती करने का समय होता है, तो उस समय आप बिल्कुल भी चाय के साथ या चाय भी मत पिए, कुछ ना लें। थोड़ा सा आप नियम धर्म से रहे, आपके घर में बरकत होगी, बढ़ोतरी होगी, जरूर होगी, हमें बस थोड़ी सी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 7 पॉइंट से कि शाम के समय किसी के घर मत जाएं और ना ही किसी से पैसा ले और ना दे, उधार तो बिल्कुल भी ना दें किसी को और ना लें, और अपना पैसा भी जैसे ऑनलाइन भी पे करते हैं हम, या अपना पैसा नगद हाथों हाथ देते हैं, अपना ही पैसा है, जैसे कि दूध वाले को देना है या रेंट में रहते हैं तो रेंट देना है, तो अपना जो हमें देना चाहिए नेसेसरी है वो भी पैसा शाम के समय में 1 घंटे के 7 बजे के बाद आप दें, 7 बजे शाम का जो समय 7 बजे के बाद आप दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5:30 से 6:30 के बीच में मत दें। तो थोड़ा सा ध्यान रख के, बहुत इमरजेंसी हो तभी भी थोड़ा सा ध्यान रख के आप 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद ही दें। इससे क्या होता है ना कि आपका पैसा आपके पास रहता है, किसी आपकी लक्ष्मी किसी और के पास नहीं जाती, क्योंकि शाम के समय जो लक्ष्मी माँ का आने का समय होता है, तो हम अपना पैसा क्यों किसी को दें। तो थोड़ा सा आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान देना है और याद रखना है। 8 पॉइंट्स हैं कि शाम के समय अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल हैं, महिलाएँ हैं, वो अपने द्वार के मेन गेट के जो चौखट कहते हैं, जो पहले के ज़माने में चौखट बना रहता था लकड़ी का, या थोड़ा सा ऊंचा चौखट बना बीच में बना रहता था, तो अभी भी समझिए आपका जो मेन गेट है वो चौखट ही है, तो आप उसको कभी भी वहाँ शाम के समय बैठ के गप मत मारिए, किसी से बात मत कीजिए, और या घर के मेन गेट पे खड़े होके भी बात मत कीजिए शाम के समय। शाम के समय पूजा पाठ का होता है तो बहुत सारी महिलाएँ गेट पे खड़े होके इधर की बात उधर की बात करती हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथ में भी, शास्त्रों के अनुसार भी ये गलत है, इसे सही नहीं बताया गया है। तो शाम के समय कभी भी अपने मुख्य द्वार के गेट पे खड़े होके, चौखट पे खड़े होके गप सप मत कीजिए, थोड़ा सा इस बात का भी आप ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की घर की समस्याओं से जुड़ी वीडियो, पेरेंटिंग की वीडियो, रिलेशनशिप की वीडियो, पूजा पाठ की, धार्मिक वीडियो लाते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।